बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी कभी ऐसी मूवी बनती है 9.5 out of 10, इससे बढ़िया फिल्म अभी लगभग मैं KGF के बाद यही देखा हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज आए हैं हम मेजर मूवी देखने। तो यहाँ पे देखिए मेजर का फाइनली हम लोग 2 टिकट ले चुके हैं और साथ में देखिए धर्मेंद्र है। तो आज कौन सा मूवी देखने वाले हैं? मेजर मूवी देखते हैं और देख के बताते हैं कि मूवी कैसा है और देख के बताएंगे मूवी के बारे में, कैसा मूवी है, इसमें कैरेक्टर कैसे प्ले किया गया, रियल से कितना मैच करता है, और देख के उसके बाद मूवी का रिव्यू देते हैं और पब्लिकली रिव्यू भी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सिनेमा हॉल आप लोग को दिखाते हैं, यही है फन सिनेमा, इसी का 2 टिकट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मूवी देखते हैं और फिर अपना और पब्लिक का रिव्यू दोनों देंगे। हम लोग हॉल में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है, देख सकते हैं। और तो धर्मेंद्र कैसा लग रहा है? अभी तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, देखते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं, मेजर लगा है और देखने के बाद रिव्यू आप लोग को देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। पब्लिक से रिव्यू लेते हैं कि उनको कैसा लगा। आइए पूछते हैं। इधर मेजर मूवी देखे हैं? नहीं। चलिए आते हैं, कुछ पब्लिक से पूछते हैं। इधर आइए भैया। बहुत बढ़िया लगा। कैसा मूवी था? बहुत बढ़िया था। बताइए मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। दर्शकों को देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और कुछ और व्यक्ति से पूछते हैं कि मूवी उनको कैसा लगा। पब्लिक अपना रिव्यू देने में हेजिटेट कर रहा है, बट चलिए पूछते हैं। भैया मूवी देख कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था। तो क्या देखना चाहिए पब्लिक को? बहुत बढ़िया था, देखना चाहिए। तो ये मूवी से आपको क्या मिसिंग मिला? सीख मिला कि एक मेजर का जिंदगी भी आसान नहीं होता है, उसके फैमिली को बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वही सीख मिला। मतलब इस मूवी में देशभक्ति, करेज, साहस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हाँ कुछ व्यक्ति से पूछते हैं कि उनको मेजर मूवी देखे कैसा लगा। चलिए अंकल से पूछते हैं। अंकल आप मेजर मूवी देखे? हाँ अभी देखा। कैसा लगा? ये अपनी पुरानी घटनाओं को याद करने का बहुत अच्छा साधन नहीं है, और लोगों को जानकारी इसकी मिलनी चाहिए कि वास्तव में उस दिन ताज होटल में हुआ क्या था। बहुत से लोग कहानियाँ पढ़ते हैं लेकिन कहानियों से समझ में नहीं आती है, लेकिन ये अगर फिल्म दिखाया गया तो लोगों को समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आया कि देश, हमारे सिपाहियों ने, हमारे कमांडो ने कैसे देश के लिए बलिदान दिया। हर व्यक्ति को तो देखना चाहिए, बट उस NDA कैडिट को ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशल जो NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो अच्छा कैडिट बन सके। उन्हें एक मरणोपरांत अशोक चक्र से भी नवाजा गया। तो चलिए और चलिए भैया से पूछते हैं। भैया मूवी को कितना स्टार देना चाहेंगे? 9.5 out of 10, इससे बढ़िया फिल्म अभी लगभग मैं KGF के बाद यही देखा हूँ। इससे KGF के बाद तो कोई फिल्म था नहीं, ना KGF का मतलब शिवाजी सम्राट है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आपने देखा मेजर मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, यंग लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मूवी है, इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी कभी ऐसी मूवी बनती है। इस हमने भी मूवी जाकर देखा मेजर का, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, आप लोग को जरूर एक बार देखना चाहिए मूवी। तो धर्मेंद्र कैसा लगा? देखिए मूवी वास्तविक रूप से बनाया गया है, जो भी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पे जो भी आधारित है, उस सच्ची घटना पे मूवी बनाया गया है। मेरे हिसाब से मूवी को 9.8 रेटिंग मिलना चाहिए, क्योंकि 0.2 रेटिंग हम वहाँ पे यदि करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कितना सेक्रीफाइस किया, एक NDA कैडिट बनने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना एक NSG कमांडो बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप ये मूवी देखेंगे तो मूवी देख के आप इस मूवी से एक सांचा, एक व्यक्ति के अंदर रियल का देशभक्ति पेट्रियट देख सकते हैं, साहस देख सकते हैं, वो देश के प्रति किस हद तक कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। मेजर मूवी हर वो व्यक्ति को देखना चाहिए, सिर्फ
हर एक व्यक्ति को, क्योंकि उनके अंदर एक देशभक्ति और प्लस वो एक साचा देशभक्त के अंदर, और जो भी एनडीए कैडिट होते हैं या एनएसजी कमांडो होते हैं, उनका लाइफ कितना स्ट्रगल से भरा होता है और उनके बदौलत हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो गाइस देखा फाइनली, अगर आप आते हैं तो एक बार हॉल में जुड़ आइए, और गुजारिश है कि आप हॉल डबिंग ना देखें एक बार हॉल में और इसका आनंद उठाए। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, हम इसको रेटिंग तकरीबन 9.5 देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। तो ऐसे ही ब्लॉग के साथ बने रहिए, आपको अलग अलग वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।